गोपाल शर्मा अपनी जीविका चलाने के लिए एक रेडियो टेलीविजन रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान चलाते हैं। साहब ने वकालत भी पढ़ रखी है, लेकिन इनमें जो प्रतिभा है उसको आज तक जिले के बाहर सम्मान बहुत ज्यादा नहीं दिया जा सका, या यूं कहें कि सरकार ने उसे सराहने की कभी कोशिश नहीं की। हम कृपाल शर्मा जी के पास बैठा हूँ, जो 17 भाषाओं में उल्टा लिखने का हुनर जानते हैं। 8 पास किया था तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि आगे की पढ़ाई हो सके, तो तुरंत पढ़ाई छोड़ करके अब मजदूरी करने लगा। मजदूरी में कर यहाँ पहले क्लीनरी किया, फिर चक्की स्पेलर चलाया। माली हालत ठीक ना होने कारण कानपुर जाना पड़ा, और कानपुर जा करके हमने बनियाइनों की फैक्ट्री में बनियाइन की पैकिंग करना चालू किया। दिन बाद वहाँ के एक लड़के से मेरी बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई, काफी अपनत्व जब हुआ। उसी दरमियान उसकी शादी पड़ी तो उसने मुझे टाई देते हुए कहा, भैया मेरे बारात में टाई बांध के चलना। तो हम वो टाई बांध के उसके बारात में पहुंचे, क्योंकि वो मेरे जीवन में पहली बार टाई आया था, तो बड़ा मुझे भी उत्साह था। टाई बांध के जब हम पहुंचे तो उसके बारात में वहां से पहले से मौजूद हमारे जो हम लोगों के सीनियर थे, हम लोगों का जो अटेंडेंस लेते थे, वो साहब मौजूद थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे देखते ही उनकी भ्रुकुटी तन गई। उन्होंने कहा कि लेबर हो लेबर की तरीके से रहो, नहीं लेबर हो लेबर की तरीके से रहो, टाई सिर्फ ग्रेजुएट बांधता है। ये बात दिल को चुभ गई, तुरंत टाई खोल करके जेब में रखा और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि अब कभी सरकार ऑथराइज करेगी तभी टाई बांधेंगे, अन्यथा नहीं बांधेंगे। वहीं रह करके रेडियो का काम सीखा, बलरामपुर आकर के रेडियो रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान खोली। परिवार को पालते हुए व्यक्तिगत प्राइवेट हाई स्कूल इंटर बीए करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराया तब टाई बांधा। आपकी लिखावट की कहानी कैसे शुरू हुई? मैं हमेशा एक बात चुभता रहता था कि ये जो शिक्षा का ताना मुझे मिला है, ये ताना अन्य को ना मिले। ये बात को लेकर के मैं स्कूलों में जाता था, बच्चों को बताता था, तो मेरी बात उतना लोग समझते नहीं थे। सुन आया कि क्यों ना कुछ इसमें भिन्नता किया जाए, तो मैं शब्दों को उल्टा लिखने लगा, अपने मन से ही शब्दों को उल्टा लिखने लगा। पहले हिंदी अंग्रेजी को लिखा, फिर असमिया बंगला पंजाबी गुजराती थाई कन्नड़ मलयालम तेलुगु तमिल आदि तमाम भाषाओं की किताबें ला करके उनको स्वतः सीख करके करके उनको भी धारा प्रवाह उल्टा लिखने लगा। तो जब मैं उल्टा लिखता था तो मेरी बातों को बच्चे बहुत कायदे सुनते थे। धीरे धीरे प्राथमिक से इंटर, इंटर से महाविद्यालय, महाविद्यालय से और भी तमाम जैसे जो तैयारी कराने वाले तमाम एजुकेशनल सेंटर हैं, वो सब लोग मुझे बुलाने लगे। मुझे तमाम ऐसे धीरे धीरे प्रसिद्धि मिलती रही, तमाम सरकारी महोदय लोगों से नहीं मिला। आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से, या आपने जो अपनी बात रखी सरकार के सामने, तो सरकार ने क्या आपको डिनाई कर दिया? बिल्कुल नहीं, नहीं अभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार उत्तर प्रदेश सरकार से मेरे पास 2 बार लेटर आया हिंदी संस्थान के माध्यम से, लेकिन बस वो लेटर ही सीमित रह गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी कुछ जिक्र था, लेकिन उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं हुआ। बात जो आपको जिले में इतना सम्मान दिया जाता है जी, वो सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, और अभी भी आप उनके लिए बिल्कुल नाके ही बराबर हैं। हाँ बस अब यही है, लगता है मेरी बात महोदय लोगों तक नहीं पहुंची, हम तो यही समझ रहे हैं। आपने कभी ट्राई किया है किसी के पास उनकी जी वगैरह? हाँ जी, हमने परम आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब ये मुख्यमंत्री महोदय थे तब हमने इनको जीवनी लिखकर गुजराती में भेजा था। महामहिम प्रतिभा पाटिल महोदया जी को जी का हमने जीवनी पूरी लिखकर भेजा, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। जिसने खुद अपनी शुरुआत की और खुद वो आगे बढ़ना चाहा और बढ़ा भी, लेकिन सरकारी तंत्र और उनके साहबों ने इस प्रतिभा को कहीं ना कहीं धूमिल होते देखना जरूरी समझा। जगह या इंसान या धर्म जाति के आधार पर नहीं आका जा सकता, प्रतिभा केवल और केवल मेहनत से आ सकती है, और प्रतिभा का हमेशा सभी को सम्मान ही करना चाहिए। बलरामपुर से मैं योगेंद्र पाठी ईटी